गढ़ा मोड़ से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही है। मंजूर अहमद जट के मुताबिक गढ़ा मोड़ के मौजा रथ मेंबर में जायदाद का देरी न तनाजे की वजह से मामूली तल कलामी पर 8 अफराद ने तशद्दुद करके 60 साल शख्स को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। गढ़ा मोड़ के मौजा रथ मेंबर में दो भाइयों लियाकत और अंसर के दरमियान जायदाद 12 कनाल कोठी का देरी न तनाजा चल रहा था। अदालत में केस जेर समाअत था जिसके रंज में अंसर मेंबर और उसके साथ साथियों अली शेर इरफान फरहान मुमताज औरंगजेब उमर मोहम्मद जावेद ने 60 साल नूर मोहम्मद नामी शख्स से मामूली तल कलामी की तशद्दुद करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। बात मामूली तल कलामी और हाथापाई से शुरू हुई और मामला कत्ल तक चला गया। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना टिब्बा सुल्तानपुर मौके पर पहुंच गई और डेड बॉडी को तहवील में लेकर RHC टिब्बा सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश मक्तूल के वरसा के हवाले कर दी और मक्तूल के बेटे ताहिर इकबाल की दरख्वास्त पर SHO चौधरी राशिद नदीम जट ने 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर SHO ने कहा कि मेरिट पर कार्रवाई करेंगे।